आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अभियान के रूप में संस्था चल रही है। ये 6 साल के लिए संस्था अभी 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को और वरिष्ठ नेताओं को सदस्यता दिलाई गई। उसके बाद प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेता सदस्य बने और अब क्षेत्रीय उसमें और जिलों में ये सदस्यता प्रारंभ हो गया है। ये बूथ तक हम लोग ले जाने वाले हैं, तो बूथ तक घर घर तक टोलियां निकल रही हैं, सदस्य बना रही हैं। 6 साल के लिए सदस्यता होती है, लेकिन 3 साल बाद भी हमको फिर 20% बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारा चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं 3 साल के बाद। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो कि अपना संगठन को भी इस उसको लेकर चलना, ये और पार्टियों में नहीं है। और पार्टियां तो केवल मात्र अपना संगठन बचाने के लिए उनको याद आता है, तब ये सारी चीज़ों करते हैं। हम लोगों की प्रक्रिया है, तो उसके निमित्त आज मैं यहाँ आया था, तो हमारे क्षेत्र अध्यक्ष जी, हमारे विधायक नगरी हमारे अध्यक्ष जी, सारे लोग और अपने वरिष्ठ लोग सारे बैठे हैं, विधायक सब लोग, तो कैसे सदस्यता आगे ले जाना और उसकी समीक्षा कितना हम बनाए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब विषय थे। सर, दिल्ली में राजनीतिक हलचल हो रही है, मुख्यमंत्री का कहना है कि करो इस्तीफा दे देंगे एनजी के, क्या कहना है दिल्ली की राजनीति? देखिए, केजरीवाल जैसा नेता है आज तक शायद किसी ने देखा नहीं हो, इतना झूठ बोलने वाला, जनता को गुमराह करने वाला, ऐसा नेता पहली बार शायद जनता ने देखा होगा। इस्तीफा देना होता तो जेल में था तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। झारखंड के भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, फिर आ गया तो कानूनी प्रक्रिया के तहत। अब ये कह रहा है कि साहब इस्तीफा दूंगा, कितने दिन होगा इस्तीफा दे बोलते बोलते, बताओ ना मुझे, क्या यकीन है क्या? तो झूठा आदमी है, जनता को गुमराह आज अब नहीं कर सकते आप। खबर आई और देना हो तो देना, और देना चाहिए उसे, इतने घोटाले, इतने जनता के बीच जाएंगे। अरे जनता के बीच क्या जाएंगे, आपने इतना घोटाला किए हैं, आज भी आप मुख्यमंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, कार्यालय नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते, आप कैबिनेट नहीं बिठा सकते। डिसीजन कहाँ होते हैं? कैबिनेट में होते हैं ना, मैं भी तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, कैबिनेट, हर डिसीजन कैबिनेट के अंदर होता है। कितना काम आपने जनता का पीछे कर दिया, कितना विकास का कार्य आपने रोक दिया, ये शुद्ध नहीं आई क्या, ध्यान में नहीं आ रहा क्या? आज भी कहेगी जनता तो देना, देना चाहिए उसे। खबर ये है कि सर 3.0 मोदी सरकार इस बार एक देश एक कानून लागू करने जा रही है, क्या इससे इम्प्लीमेंटेशन? निश्चित आज आवश्यकता है, जरूरत है, जनता का पैसा बचेगा। बार 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 जो चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं उससे जनता भी परेशान रहती है, त्रस्त रहती है, और पैसा भी खर्च होता है। ये किसका पैसा है? जनता का है ना, तो एक चुनाव एक देश क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हम हिंदी की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक भाषा, वो भी हमने किया, मोदी ने कर दिखाया ना सारे काम, तो ये जनता हित में है, देश के हित में। सर, मोदी जी का जन्मदिन है, कार्यकर्ताओं आज सदस्यता अभियान की आपने समीक्षा की है, कार्यकर्ताओं से किस तरह के अपेक्षा? देखिये, प्रधानमंत्री मोदी जी का है सामान्य तरीके से जन्मदिन, उनका खुद का इस तरह मनाएं, तो लोग सदस्यता के रूप में अधिकतर अपनी सदस्यता करेंगे, जाएंगे कुछ जगह अपना हवन कीर्तन भजन ये भी करेंगे, हॉस्पिटलों में भी जाएंगे, फल वितरण भी करेंगे, जिसकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। तो संजय गायकवाड़ शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने राहुल गांधी की जीप कार्ड पर डालने वाले को 11 लाख रुपए के नाम का ऐलान किया है, किस तरह देखते हैं, जिस तरह से रेगुलर राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? देखिये, जहाँ तक आपने जीप करने का इस तरह का सवाल किया है, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है और ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है, इससे गुंडा एलिमेंट बदमाशों को बढ़ावा मिलता है। हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम देश हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम समाज हित की बात करते हैं, उन लोगों में हम हैं,
हम ये इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसमें कहेंगे तो कहेंगे ना। दादा जी, आप उत्तराखंड से आते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी रिमांड इस वक्त चल रही है भू कानून की, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में है, क्या मानते हैं, क्या उचित है वो कानून को? देखिए, वो उसके लिए एक एक्ट बन गया, कानून के लिए एक समिति बनी है, वो अपना काम कर रही है। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी भी अब टॉप कॉर्नर में नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर रहा, सोचेगा वो। बकबोर्ड कानून को लेके जहाँ पार्लियामेंट में बैठी हुई है, उसके बाद में कैसे देख रहे हैं आप, क्या लगता है? देखिए, बकबोर्ड जो था इस समय पार्लियामेंट के अंदर आने वाला था, इन्हीं कारणों से जो नहीं आ पाया, लेकिन उस पर संशोधन होना चाहिए और समाप्त हो, नहीं तो संशोधन तो होना ही चाहिए। उससे कोई ये नहीं कि एक समुदाय को नुकसान हो रहा होगा, इस वक्फ बोर्ड से उसी मुस्लिम समुदाय के नीचे तबके लोगों को भी दिक्कतें परेशानियां हैं और उसका नुकसान है। ये तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है जो पैसा वसूल रहे हैं और पूरी तरह डकार रहे हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर में आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अमित शाह ने पहले कि तीन घरानों के अंदर ही जम्मू कश्मीर का बजट और पैसा फंडिंग जो मिलता था वो जाता था, तीन घराने उससे पहले, बाकी जनता तो 370-35 ये खत्म किया तो आम जनता का विकास हुआ, सबने उसको स्वीकार्यता दी है। वही जो वक्फ बोर्ड है, इससे उसी समुदाय के नीचे तबके लोगों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनके हाथों में नहीं है। दूसरा विषय, जबरदस्ती जमीन मेरी, मकान मेरा, तो काई का हकदार भाई, काई का मतलब, तो ये जो हो रहा है ठीक नहीं है, उसमें तो ये सब क्लू हैं जो इस तरह का वो है विवादास्पद, इस प्रकार के मुद्दे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।